नमस्कार, बोल्स्काय में आप सभी का स्वागत है। देश में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हैं और देशवासियों को भाषण देते हैं। इस साल भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में इस मौके पर हम आपको स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कुछ ऐसे बातें बताने जा रहे हैं जो आप शायद ना जानते हों। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो वह इसके जश्न में शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के पास अपना राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जनगण मन लिख दिया था, लेकिन इसे 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 14 और 15 अगस्त की रात में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, जिसके बाद नेहरू जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल्स्काय के साथ।